नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस सीट को भाजपा की झोली में नहीं जाने के लिए जहां कांग्रेस का आलाकमान क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन के लिए विचार कर रहा है, तो वहीं स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि इसके फेवर में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय विधायक 2-3 दिन से ही जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। ऐन वक्त पर भी पाला बदलने से गणित है वो बिगड़ सकता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा चुनाव से पहले ऐन वक्त पहले ही पाला बदल देने से कांग्रेस की चुनौती चौसर गड़बड़ा गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भांसवाड़ा से भेजे पैनल में मालवीय का नाम शामिल किया गया था और किसी अन्य नेता का नाम शामिल नहीं था। एन वक्त पर मालवीय द्वारा पार्टी बदल देने से सारा समीकरण है वो बिगड़ गया है और पार्टी को नए सिरे से प्रत्याशी की खोज शुरू करनी पड़ी। तो वहीं अन्य नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव में खड़ा नहीं होने के ऐलान के बाद पार्टी द्वारा भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार विमर्श शुरू हुआ। इसके चलते कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक भांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए ना तो कोई पैनल बनाया है और ना ही कोई प्रत्याशी की घोषणा हुई है। त्रिकोणीय मुकाबले के भी आसार दिख रहे हैं। भांसवाड़ा डूंगरपुर के विधायक भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करने के फेवर में नहीं है, बावजूद इसके आलाकमान द्वारा गठबंधन को लेकर जयपुर में विचार विमर्श का दौर जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा भांसवाड़ा डूंगरपुर के विधायक के साथ 2-3 दिन से चर्चा की जा रही है और उनको पार्टी की रणनीति के बारे में भी बताया जा रहा है। पार्टी आलाकमान का मानना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस सीट को जाने से रोकना है तो गठबंधन करना मजबूरी है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की स्थिति में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर गठबंधन पर विचार किया जा रहा है। यहां समझे कि भांसवाड़ा सीट का पूरा गणित क्या कुछ कहता है। भांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से कांग्रेस के 4 विधायक गत चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और भारत आदिवासी पार्टी का 1 विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचा है। इस आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस पार्टी का पलड़ा मजबूत नजर आता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, जिसके चलते इसके समीकरण जुदा नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस को भारत आदिवासी पार्टी से समझौता करके गठबंधन के लिए अपना मानस बनाना पड़ रहा है। भारत आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया है, ऐसे में गठबंधन का पूरा दारोमदार अब कांग्रेस पार्टी पर ही निर्भर करता है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या कुछ होती है, ये सवाल बना हुआ है। वह अगले 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगी कि वह इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित करता है या फिर बाप पार्टी से अपना समर्थन देते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। तो देखिए, ये मामला है वो भांसवाड़ा लोकसभा सीट पर अटका हुआ है। अब देखते हैं कि सियासी समीकरण है वो किस प्रकार दोनों पार्टी हैं जो बिठा पाएंगे। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।